सो हेलो गाइस, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल रिया गुज्जर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फिलहाल, तबीयत ठीक है। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और इवनिंग तक एंडिंग करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी पूरा कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। आज पूरा डे आउट होगा। सो आप लोग व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी लोग व्लॉग देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना मत जाइएगा। ओके, सो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और बस अभी फेस वॉश करना है। फेस वॉश नहीं करा मैंने, फेस वॉश करना है मेरे को, और फिर चाय पीऊँगी। दैन उसके बाद अपने काम में लगेंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या काम करती हूँ। ओके, बाकी ये सारा भी मुझे करना है, वो मैं अभी मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में चाय पीने के बाद एंड फेस वॉश करने के बाद। ओके, बाय बाय। सो यहाँ मैं अपने काम में लग चुकी हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने उसको फास्ट कर दिया था। और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो मैं ही सोच रही थी जिस तरह से फास्ट फास्ट काम हो रहा है, काश जब हम काम करते इसी तरह से हमारे अंदर स्पीड आ जाती और काम ऐसे सेकंडों में ख़त्म हो जाता। खैर ये तो मजाक की बात है। बाकी काम वगैरह मैं फटाफट फटाफट करके, मतलब मेरा काम ज़्यादा नहीं, 45 मिनट या हाँ 45 मिनट में सारा काम खत्म हो जाता। नहावा लेती हूँ मैं, बट अब ऐसा होता है कि मैं नहाने में थोड़ा आलस कर जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं काम ख़त्म होने के बाद कूलर में या फिर कूलर वगैरह के सामने लेट गई ना तो फिर फ़ोन चलाना, फिर मैं आराम से नहाती हूँ 1-2 घंटे बाद। तो इसलिए मेरा काम थोड़ा लेट लगता है, थोड़ा आलस आ जाता है मेरे अंदर, वो है मेरे अंदर थोड़ा सा। सो अभी मैंने कपड़ों की तह वगैरह लगा दी है, खाट वगैरह सब करती है, चारपाई वगैरह। अब नेक्स्ट मैं झाड़ू लगाने जा रही थी, सो अब झाड़ू लगेगी। देन जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है, जब तेज से हवा चलती है ना तो जितना भी आप साफ करके लेकर वो सारा को फिर दोबारा चला जाता है साफ हुए में, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पे। तो जब झाड़ू लगते मैं फिर सोचती हूँ, मैं झाड़ू लगाती रुक जाती हूँ, मैंने कहा उड़ ले पहले, तू जहाँ जाना है तू चला जा। बट कल इतनी तेज़ हवा नहीं थी, सही थी, नॉर्मल थी, तो मैंने कर लिया जल्दी जल्दी काम फटाफट से। और झाड़ू की वीडियो जो बनाई थी, मतलब मैंने ना चेयर पर कैमरा रखा हुआ था तो वो आधी वीडियो बन पाई। आधी वीडियो के टाइम पे ना पता नहीं कैसे फ़ोन गिर गया, क्या हुआ मेरे को नहीं पता, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वीडियो बन रही है नहीं बन रही है। मैंने जैसे सारी झाड़ू वाड़ ख़त्म हुई मैंने आकर देखी वीडियो, तो वो आधी वीडियो थी, आधे में कैमरा मतलब ब्लैक हो रखा था क्योंकि वो गिर गया फ़ोन। सो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं, जितने बन गई उतनी काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी वीडियो दिखाया जाए। अगर आधे मैंने लगाई हो तो पूरे में भी झाड़ू मैंने ही लगाई होगी, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, गिर गई तो कोई बात नहीं, गिर गया कैमरा। उसके बाद मैंने अपना सारा काम वाम करके फिर, तो झाड़ू ख़त्म होने के बाद मैं दिखाती हूँ अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ। फिलहाल तो झाड़ू ही लगा रही हूँ अभी मैं, अभी बीच में कैमरा बंद हो जाएगा, मेरे को खुद पता नहीं चलेगा कि कैमरा कब बंद हो गया। तो जहाँ तक झाड़ू की वीडियो बस वहीं तक है, फिर जैसे अभी कैमरा हुआ ना तो वो गिर गया था कैमरा। सो अब बारी आई है वॉश बेसिन वगैरह ये सब साफ़ करने की, बाथरूम वगैरह, बाथरूम चौकी, तो मैं ये पानी से साफ़ करती हूँ पहले। अगर झाड़ू लगाने तो लगा देते हैं, बाकी पानी से करते हैं वरना ज़्यादा क्लियर साफ मतलब साफ़ नहीं हो पाता, तो इसलिए मम्मी पानी से साफ़ करती है इनको दोनों को ही। तो ये वाला बाथरूम का जो पूरा एरिया है हम लोग पानी से क्लीन करते हैं बिल्कुल इसको, तो अच्छा हो जाता है फिर, क्योंकि झाड़ू से वो अच्छा नहीं लगता, तो वो झाड़ू और पानी दोनों से करते हैं तो अच्छा हो जाता है, तो बिल्कुल साफ़। अब आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा यहाँ पर, वरना धूल मिट्टी आ जाती है। सो अब नेक्स्ट पोछे की बारी आएगी, इसके बाद पोछा लगाएंगे। तो बाथरूम जो हमारा जो जीना है ना, तो जीने पे पता है कूड़ा वगैरह आ जाता है जैसे उड़ के, तो इसलिए मैं पानी डाल देती हूँ पहले ही वहाँ पे। सो नेक्स्ट है अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। सो मैं लगा रही हूँ पोछा और ये मम्मी है किचन में, पता नहीं शायद कुछ लेने के लिए आई थी। सो मम्मी है किचन के अंदर एंड मम्मी अब निकल रही है, पता नहीं क्या पी के निकल रही है नीचे। और अब मम्मी चली गई नीचे अपने दोबारा से अपने काम में और मैं लगा रही हूँ पोछा। मेरा फटाफट से पोछा होने वाला, कि ऊपर 2 रूम है, एक पूजा वाला रूम है, एक ये वाला रूम है, ठीक है, बेडरूम है। तो पूजा वाले रूम में मम्मी सुबह पोछा लगाई थी 5 बजे, क्योंकि वो नहा के पूजा करती हैं तो पहले वहाँ पोछा लगा देते हैं। किचन में जो हम किचन में झाड़ू लगा देते हैं पहले, फिर जो बाद में क्लीन करते हैं हम किचन को, वो करते हैं हम खाना बनने के बाद, पोछा वगैरह सब कुछ वो जब करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम वैसे किचन को क्लीन कर देते हैं, लेकिन जो पोछा वगैरह लगता है वो लगता है बाद में। सो रूम मेरा क्लीन हो चुका है, अब बारी आएगी कूलर वगैरह अंदर करने की, तो मैं वो कर दूँगी।
मैं कूलर वगैरह तो अंदर मेरे से हो जाता है ठीक है, क्योंकि इसमें पानी नहीं था ज़्यादा, तो मैंने कल कर दिया मतलब उस तब तो मैंने कूलर कर दिया अंदर, लेकिन मैं चारपाई अंदर नहीं कर पाई। चारपाई है हमारी बड़ी वाली, बड़ी वाली चारपाई तो उसको दो जने करते हैं अंदर, पापा तो कर देते हैं अकेले या भाई कर देता है, मैं मम्मी करते हैं दो जने मिलकर, हमसे वो अकेली से उठती भी नहीं है, इतनी बड़ी चारपाई है। तो मैंने वो भी रूम में छोड़ दिया, मैंने कहा बाद में मम्मी आएगी तो मैं और मम्मी मिलकर कर देंगे चारपाई अंदर, बाकी पोछा मेरा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरा किचन क्लीन करना। अब देखो किचन में कितना मैश हो रखा है, सुबह के टाइम सब खाना वाना मतलब चाय वगैरह बनाते हैं तो ऐसी मम्मी करके कि मेरा काम होता है कि किचन क्लीन करना, इस टाइम पे मम्मी चली गई थी नीचे, अब ये सारा मुझे क्लीन करना है, उसके बाद खाना वगैरह मम्मी बनाएगी आके। सो मैं कर रही हूँ अपनी, मुझे से दूध गिर गया था नीचे, सो फिर मैं कपड़ा लेने गई हूँ, उसको क्लीन कर दूँगी यहाँ से। किचन में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि किचन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको संभाल के रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो करने में टाइम लगता है, तो इसलिए बस मेरा किचन साफ़ करने का काम रहता है, खाना वगैरह सब मम्मी कर लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी बोल देती है कि खाना आज तू बना लेना, या कुछ ऐसा बनना होता है कि जो मुझे पसंद है बनाना, तो मैं कहती हूँ मम्मी आज खाना मैं बनाऊँगी, तो जैसे मैंने अब झाड़ू पोछा वगैरह करा है फिर मैं से क्लीन यहाँ से मतलब किचन साफ़ करके तुरंत अपना नहा के खाने में लग जाती हूँ, कभी कभी नहाती हूँ, कभी कभी ऐसे भी लग जाती हूँ। और अब बर्तन की बारी है, मैं फटाफट बर्तन कर रही हूँ, किचन मेरी हो चुकी है सो अब बर्तन लगा दूँगी फटाफट करके, थोड़े से बर्तन थे ज़्यादा नहीं है, सुबह के चाय वगैरह के बर्तन थे, क्योंकि रात के कोई बर्तन होते नहीं है, मम्मी साफ़ करके रखती है, मम्मी को पसंद नहीं है रात के गंदे बर्तन सिंक में पड़े रहना, तो मम्मी जो भी बर्तन होता है अगर एक कटोरी या एक चम्मच भी होगी तो मम्मी उसे साथ के साथ रात को ही वॉश मतलब वॉश कर देती है ना, एक बार को आलस आ जाता है हर किसी को, मैं मुझे भी आ जाता है कभी कभी, मैं पर भी सोचती हूँ यार मम्मी नहीं छोड़ती जब रात को बर्तन तो मुझे भी नहीं छोड़ने चाहिए, तो मैं भी कर देती हूँ। सो इस टाइम हमारे ज़्यादा बर्तन नहीं हो पाते, सिर्फ चाय वगैरह के बर्तन होते हैं, अब वो मैंने कर दिया सब। ये दूध की बाल्टी है, इसको भी मैंने वॉश कर दिया है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वैसे मेरा कोई काम बचा नहीं है, मेरा सारा काम हो चुका है, अब देखते हैं मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ। सो यहाँ मेरी किचन हो चुकी है बिल्कुल साफ, आप सब देख सकते हैं। सो मेरा काम हो चुका है ख़त्म, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने कर दिया है, ये वाली चारपाई डलेगी इस वाले रूम में, सो वो मम्मी डाले क्योंकि ये बड़ी है, वो मुझसे डलती नहीं है, बाकी सारा काम मेरा डन हो चुका है। अभी उसको चूल्हा बोलते हैं, अभी ये साफ़ नहीं हुआ क्योंकि मम्मी बोल रही थी इस पे आके दूध पकाऊंगी, तो अभी इसको साफ मत करना, मैं खुद कर लूँगी बाद में ठीक है। सो अभी चलते हैं, दिखाते हैं मम्मी क्या करती है। ये मेरी बड़ी बहन है, पड़ोस में रहते, ताऊ की लड़की है, न्याल लेना आई हमारे यहाँ हमारे यहाँ न्याल की चोरी मत ना करे, हट जा। निहार की चोरी कर रही फिर हमारे यहाँ, क्यों आई तू तो निहार लेने? अरे निहार लेने क्यों आई? तेरा माल क्यों होता? अरे तुम्हारा माल क्या सुत्ता नहीं घर में हमारे है, मशीन पे हमारे कटा, तो माल किसका हुआ? हमारा। तुम्हारा कैसा होगा भाई? ऐसे हो जाए, अकल को तो कह दे गाड़ी जो खड़ी हुई तुम्हारी है, है? ना कह दे मम्मी मम्मी जो गाड़ी खड़ी हुई सभी कहते ना हमारी है। मैं खा रही हूँ। हाँ अब जाइए मत ना, यही हमारी गली हिल्ला कर भैया।
ठीक है। और साधु केक खाइए, साधु केक मिलेगा। जब तेरे पास आई ही ना मैं, जब भी हो गए 10,000, तो मैंने स्टोरी ले मतलब स्टेटस लेट लगाया, पहले स्टोरी वगैरह लगा दी उसके बाद लगाया। देखते हैं क्या होता शाम का प्लान, देखते हैं क्या होता शाम का प्लान, रूपक क्या करता है। तेरी किस्मत में केक खाना हुआ तुझे मिल ही जाएगा, खाना वाना खा के निकल जाएगा। मेरी आंखें कैसी हो गई आज, सो अभी फिलहाल मैं खाना खाऊंगी, खाना खा के थोड़ी देर फोन चलाऊंगी, उसके बाद थोड़ा स्टडी करूंगी 1-2 घंटे एंड फिर सो जाऊंगी। फिर मैं दिखाती हूँ शाम को क्या करती हूँ। ओके मेरी भैया कजिन का लड़का मतलब कजिन का बेटा है, ले लो मुझे ना, ज्यादा ड्रामेबाज है थप्पड़ इसको लगा नहीं, इतने बुरी तरह से ड्रामे दिखा रहा था बहुत ज्यादा, जैसे मैंने से कितनी पिटाई कर दी हो, और आंसू से रो रहा था लड़का। बोल दी तरह इसमें कुछ क्या बोलूं मैं, बता पहली बार तो बहस ना मारी हूं। हां झूठी दुनिया भर की पहली बार ही ना मारी, पता नहीं ना मुझे बहस कैसे ना आए, और यहाँ मैं निला रही हूँ भैंसों को, मैं कभी निलाती नहीं हूँ, मतलब कभी कभी निला रहती हूँ, तो मैं मजाक कर रही थी कि कभी नहीं निलाती, मम्मी ने बोला तो मैंने कहा चलो निला देती हूँ। और ये लोग कर रहे हैं ट्रैक्टर वॉश, लोगों को बड़ा शौक लगता है गाड़ी वॉश ट्रैक्टर वॉश ये सब करने का, तो ये पूरा गाने वाने चला के पूरा आराम से करते हैं, पूरा 1-2 घंटा चाहिए इनको आराम से। तो फिर हम तीनों बहन भाई ने बहुत मस्ती करी, हम लोग वही पाइप में नहा रहे थे सारे और ट्रैक्टर धो रहे थे, मैं ट्रैक्टर की सीट पर बैठ के आराम से गाने सुन रही थी, इंजॉय कर रहे थे। सो आज इसीलिए शॉप पर जाने के लिए भी लेट हो गया था। ये दोनों निला रहे हैं ट्रैक्टर को मतलब धो रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन, अभी मैं दोपहर के बाद खाना खाता सो के अब उठी हूँ थोड़ा स्टडी करने के बाद, टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं और मुझे जाना है मार्केट केक लेने के लिए। केक वाले भैया ने बोला था 5 बजे तक केक रेडी हो जाएगा, पता नहीं कैसा बनाया होगा उसने, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे 10K कंप्लीट हुए हैं कल रात को, तो आज केक कटिंग है। सो देखते हैं कैसा केक बनाया, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल मैं चलती हूँ मार्केट, मिलते हैं या तो मार्केट में, अगर मैं भाई के साथ गई तो मैं दिखा पाऊँगी, वरना शायद अकेली गई तो मैं क्या कैमरा वगैरह ऑन कर पाऊँगी, है ना, स्कूटी चलाऊँगी या फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो चलती हूँ मैं मार्केट, ओके मिलते हैं आपसे आने के बाद। सो मैं मार्केट पहुँच गई थी और ये यहाँ से मैं लेती हूँ अपना केक, मैंने केक वगैरह ले लिया था, ये मेरी केक की फोटो थोड़ा मैश हो गया था। सो ये भैया ने मुझे भेजा केक वाले ने, कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में। केक यहाँ छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा था, मेरे कुछ पहले सारी भाई था, मम्मी थी, पापा पापा नीचे थे, बाकी बस हम लोगों ने मिलकर सेलिब्रेशन किया और कोई खा नहीं, मतलब बस केक कटिंग समोसा गोल्डन पार्टी बस ये सब कुछ हुआ था। किस कदर कड़वा है केक अपनी कसम, कैसा लगा, कड़वा है, मौज कर दी। गाइस मेरे 10K की पार्टी हो चुकी है, ये लोग कर रहे हैं पार्टी, केक कटिंग हो चुकी है, समोसा और कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रही है।
फिलहाल। यही था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके बाय बाय।